पे अच्छे ना। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने पिछले व्लॉग इंजॉय की होगी, सर्जरी में ये मेरा दूसरा व्लॉग है। पहला व्लॉग मैंने अपलोड किया था कल, वो था ओटी के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इसके लेग में सूचर्स टेक्निक है। तो आज हम सीखेंगे स्टिचेस किस तरह करते हैं, उसके टाइप्स क्या है, सर एक्सप्लेन कर। तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो और आप लोग ज़रूर कुछ सीखेंगे वीडियो से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी इसके लेग में। तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलो अब रेडी होके जाते हैं इसके लेग की तरफ। तो लेट्स गो। उसको उसी डायरेक्शन में आपने लेके जाना है, तभी आपका ठीक होगा। अच्छा, वो पहले दो थ्रोज आपने क्लॉकवाइज ली, और अभी चाहिए ये है कि अगर आपका रीफ नॉट आए तो उस वक्त आपका नीडल होल्डर इस तरफ आया था ना, अभी इसको उस तरफ जाना चाहिए। और देखिए वही स्मूथनेस उसी ग्रू वो उसमें है यार। इसको अभी मैं क्या कहूँ, थ्रोज, इसको थ्रोज कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में मेरे पास ऐसे लफ्ज़ है नहीं। सर सेकंड टाइम टू और वन मोर वन या वन शी, बस फर्स्ट टाइम टू थ्रोज को आप देखें तो स्मूथ अभी जा रही है, बजाय इसके कि अगर मैं इसको इस तरह करता तो देखिए अभी क्या सारा मसला बन गया ना, ख़राब हो गया। दिस इज रीफ नॉट आउटसाइड इन जाउन, ठीक है। ठीक, मैंने हॉरिजॉन्टल मूव किया है ना, इसी तरह मैं अपोजिट साइड पे भी वापस निकलूं। अब देखें वहां से स्टार्ट किया था, आउटसाइड इन गए हैं, दूसरी साइड पे इनसाइड आउट गए हैं, हॉरिजॉन्टली मैंने मूव किया है, फिर दूसरी जगह पे आउटसाइड इन गया हूँ, फिर इनसाइड आउट आउट आया हूँ। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स स्विच, ठीक है। अच्छा, अभी क्लॉकवाइज आपने एक क्लॉकवाइज देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना नीडल नीडल होल्डर, ठीक है, और थ्रोज भी ठीक है। अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहूँगा, तो देखिए अभी डायरेक्शन को चेंज, अभी ये डायरेक्शन चेंज करेगा, अभी नेक्स्ट क्लॉकवाइज नीडल होल्डर इस तरफ आएगा, थ्रोज भी ठीक जा रही है, सही है। यस सर, ये सर्जरी में भी यही है, राइट साइड है। कलर आ जाएगा उसको ठीक है। पहले उसी तरह सिंपल आपने जाना है आउटसाइड इन, फिर इनसाइड आउट, अच्छा। तो अभी बात आती है वर्टिकल मैट्रिक्स। उस वक्त हमने हॉरिजॉन्टली मूव किया था ना, यहाँ पे हम वर्टिकली मूव करेंगे। यहाँ आप स्किन एच के बिल्कुल करीब आएंगे और आउट इन जाएंगे, आउट इन जाएंगे, जाहिर ही बात है। देखा आपने? यस उसी लाइन में आए हैं लेकिन स्किन एच के करीब आए हैं, तो दिस इज वर्टिकल मैट्रिक्स। निस्बतन इसके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं क्योंकि जो स्किन एज, जो कट स्किन एज है, वो इजीली अप्रोक्सीमेट होता है एक दूसरे के। हॉरिजॉन्टल में तो हम 1 सेंटीमीटर ऊपर गए थे ना, हाँ, 1 सेंटीमीटर साइड पे, इसमें जो है तो स्किन एज के फिर करीब जाएंगे। अभी मैं इसको लॉक नहीं कंप्लीट वो लेके नहीं जाता, ऑपोजिट साइड पे भी निकलता हूँ, फिर आपको ईजिली समझ आएगा। ठीक है, यस। अभी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स में फर्क का पता चला? यस। देखें इसको, यस, कि नीडल कहाँ से कहाँ गई, कहाँ पे निकली नीडल, इधर से गई, इधर से निकली, इधर से
सारे सर्जन हैं। ठीक है, बस फिर अभी अभी वही आपने नॉट्स लगानी है, पहले दो थ्रोस और ये देखना है कि ये स्मूथ जाए। ये जो लाइन है ना, ये थ्रोस वाली, ये स्मूथ जाए। ठीक है, फिर अगला आपने एंटी क्लॉक वाइज लेना और लेकिन नीडल होल्डर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है, साथ में थ्रोस की डायरेक्शन भी सही है। यस सर। ठीक है, तो ये आप क्लॉक वाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। सो दैट्स ऑल यू टेक। और इसको काटना भी फिर उसी तरह तकरीबन 1 सेंटीमीटर आपने छोड़, ताकि कल को जो सुचर निकाल रहे थे उसके लिए कोई मुश्किल ना हो। ठीक, कंटिन्यूस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कंटिन्यूस सुचर। ठीक है, मैं नॉट नहीं कर रहा लेकिन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ आगे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सुचर। अगर मैं चाहूँ कि मैं वर्टिकल कंटिन्यूस मैट्रिक्स सुचर लगाऊँ तो उसी तरह मूव करूँगा, उससे थोड़ा सा आगे दूसरा तार है। कल सिंपल स्विचर लगो कल पके हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लगो ना उस्ताद द पारो यस कल पके वर्टिकल जका छ बार बार तो लस मरीजान नास्ते ऑपरेशन न बको मेरा शनि मच संगोष संगोष ना समा निका हो संगोष से तो यो प्लान में जोड़े का ना चर माता सिंपल स्विचर इंटरप्टेड पकार दिए सिंपल कंटिन्यूस पकार दे जब आ हाँ? गए वर्टिकल इंटरप्टेड पकार दे लॉन्गिट्यूडनल मैट्रिक्स का ना हॉरिजॉन्टल इंटरप्टेड मैट्रिक्स स्विचर पकार दे। ठीक शो चल आप कम को मौका जरूरी पे एंटर हुआ उन पर डेप्थ वाला है देखिए दोबारा से हार्ड एंड ना 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 देखिए बुक खबर नहीं था चॉइस स्टेप्स ओके सर نو تا تو چې خ سوچر چې ده میټرس دی یس تا سره میټرس ټایم وی میټرس لګو ته نه میټرس کوم بیا خر رزلټ ورټیکل میټرس دی یس ٹھیک شو کنا ټایم در سره کم وی نو بیا سیمپل سوچر لګو سیمپل سیمپل ٹھیک اچھا وہ آپ نے نوٹ لگا لی ٹھیک ہے پھر آپ نے ایج سے موو کرنا ہے 1 سینٹی میٹر study sir horizontal continuous sir bas ye aap dekh le ki ab main kahan se kahan pahunch jaun theek hai main bhi vertical mattress lena chahta hu tabhi main skin edge ke kareeb aaunga ye ek side pe bhi aur dusri side dusri side pe bhi skin edge ke करीब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन कम देखो ज्यादा अच्छा स्टेपल कैसे लगाना पहले सर होल्डिंग किस तरह होल्ड करना जो है तो वो दोनों एजेस को इस तरह पकड़ देगा करीबी ठीक है और आपने सिर्फ बाहर लेकिन आई डोंट लाइक स्टेपल सर नुकसान के लिए अब दस सर बस सर बयान हो गया।